पानी जो हमारे यहाँ हैंडपम्प छोटे छोटे 6 नंबर वाले लगे हैं, बड़े हैंडपम्प लगे हैं, लेकिन उन का पानी जो है निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जो पानी है बगल जो है काम वहीं बजा रहा है, सड़ रहा है, उसी का पानी रिस करके उसी हैंडपम्प के अंदर जा रहा है और उसी को हम लोग पी रहे हैं। यहाँ मच्छर की शिकायतें बहुत है, इतना अधिक मच्छर लगते हैं जिसकी वजह से आम बीमारियां बन रही हैं, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब बीमारियां बन जा रही हैं। कि हमारा लड़का आज 1.5 महीने से बीमार है, उसको मैं इलाज कराते कराते ऊब जा रहा हूँ, काफ़ी पैसा हमारा नुकसान हो रहा है। मैं ग्राम पंचायत प्रधान से भी कहा और कई अन्य लोगों से कहा, लेकिन इसका कोई निदान करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के परसद ग्राम पंचायत में गंदे पानी की निकासी की समस्या थी, जिस पे मैंने 1.25 साल पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के माध्यम से मैंने समुदाय को जागृत व संगठित करते हुए उनके सहयोग से मैं इस समस्या पर बदलाव ला पाई। आप आए यहाँ पर, मीटिंग किए, मीटिंग के बाद ब्लॉक में आप लोग गए, वहाँ पर एप्लीकेशन पड़ा, इसके तहत ये समस्याएं सब दूर हो गई। 20 महिलाएं इकट्ठा हुई तो उनके बीच बात रखी गई, तो वास्तव में ये लगा कि नहीं, हम लोग अगर इस प्रकार से संगठित होकर के अगर चलेंगे तो हमारा काम हो सकता है। ब्लॉक स्तर पर जो एप्लीकेशन दी गई जब, तो वहाँ से जो मीटिंग जो सूचना मिली कि नहीं, प्रधान के माध्यम से कि भैया आपके यहाँ ये नलिया बनवाओ, एक तुरंत जो है उसको पक्की नाली काम इधर से बन गई। जब पक्की नाली बन गई तो हम लोग जो है काम आज उसमें जो है अपने घर के जो भी नल हैं उसके पानी की निकासी हो जाती रही है, प्लस और भी जो बरसात के पानी होते हैं उससे भी पानी निकल रहा है। मैं चाहती हूँ कि समुदाय की समस्या पर वीडियो बनाती रहूँ और उनके सहयोग से बदलाव लाती रहूँ। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।